प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम अपडेट और मौसम पूर्वानुमान। 1 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी के बीच पूरे भारत को 250% से भी ज्यादा बारिश मिल चुकी है, यानी कि जो एवरेज वर्षा होनी चाहिए थी उससे 250% ज्यादा बारिश मिल चुकी है। और उसका कारण ये रहा कि आपने देखा होगा कि शुरुआती दौर में बेमौसम बारिश जो हुई थी, जो गुजरात में कई इलाकों में देखने को मिली थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र यानी विदर्भ में ओलावृष्टि हुई थी, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्य, इन सारे इलाकों में जो बेमौसम बारिश हुई थी उसके कारण ये एवरेज बढ़ गया है। और हालांकि दक्षिण भारत में भी रुक रुक करके बारिश की गतिविधियां होती रहीं, तो इसीलिए ये एवरेज इतना ज्यादा दिखाई दे रहा है। अब क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे हमने बताया था कि 3 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक, यानी एक के पीछे एक लगातार झड़ी जैसी लग जाएगी, तो वही देखने को मिला। 16 तारीख का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चीन के ऊपर पहुंच गया है, और यानी कि चीन और नेपाल के आसपास आप देख सकते हैं, नेपाल से थोड़ा उत्तर में है। और दूसरा जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 18 तारीख को आया था वो भी आगे आ गया है। अब 21 तारीख को जो आने वाला है वो नॉर्थ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर देखा जा सकता है, जो यहां पर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से कल तक एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पाकिस्तान पर बनेगा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और एक ट्रफ रेखा इस तरह से विकसित होगी जो उत्तर प्रदेश तक आएगी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली होते हुए। तो अब क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां है, आज 20 तारीख है, तो कल रात से हमें उम्मीद है, शाम रात से बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कई इलाकों में शुरू हो जाएंगी, जो 22 तारीख तक थोड़ा सा बढ़ेंगी। और 22 तारीख को हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा इंटेंस वेदर एक्टिविटी देखने को मिलेगी, जो राजस्थान के आधे भाग को कवर करेगी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूरा उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार को कवर करेगी, और उत्तरी जो भाग है मध्य प्रदेश का इसको भी प्रभावित करेगी। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल के साथ साथ उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों के को कवर कर जाएगी, यानी कि एक बार फिर बेमौसम बारिश जैसे पहले हुई थी, राजस्थान से शुरू हुई थी और यहां तक पहुंची थी, तो उसी तरह से ये बेमौसम बारिश यहां तक पहुंचेगी। और हो सकता है कि इस बार फिर फसलों को कुछ नुकसान हो जाए, लेकिन गनीमत यह है कि गुजरात लगभग शुष्क रहेगा, हालांकि बादल बादल छा सकते हैं। और हो सकता है कि 22-23 तारीख में जो कुछ एक ट्रफ रेखा बन सकती है, जिसके कारण गुजरात के कुछ भागों में, पूर्वी जिलों में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। उसी तरह मुंबई, थाने, दहानू और उसके आसपास के इलाकों, नासिक, मालेगांव, जलगांव, इन इलाकों में भी बूंदाबांदी या मेघ गर्जना 22-23 तारीख को हो सकती है। बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई दे रही है कि होगी। और जो कोल्ड डे कंडीशन बनी हुई है वो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक पहुंच गई, यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में जहां तापमान थोड़े से ठीक बने हुए थे वहां पर भी दिन के तापमान काफी ज्यादा गिर गए हैं और पूरे दिन सर्दी का एहसास हो रहा है। उसका कारण यह है कि जो फॉग है वो अब शिफ्ट होकर के यहां पहुंच गया है। अब क्या होगा कि बादल इस इलाके में छाएंगे और हवाएं भी अब जो रुख बदलेंगी, अभी आप देखिए इस तरह से हो रही है, और जब साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह आ जाएगा, पंजाब हरियाणा पर आ जाएगा, तो हवाएं इस तरह से घूमेंगी, यानी कि जो उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से जो ठंडी हवाएं आ रही थी वो रुक जाएंगी। और अब धीरे धीरे आपने देखा होगा कि सुबह के तापमान यानी मिनिमम टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गए, अब ये और ज्यादा बढ़ेंगे, यानी 10-11-12 डिग्री तक हो सकता है कि दिल्ली NCR में टेम्परेचर पहुंच जाए, जो 9 डिग्री के आसपास बने हुए हैं। अब क्या होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो जो फॉग होता है वो कम हो जाता है, कि फॉग छाने के लिए, फॉग के लिए 6-7 डिग्री, 8 डिग्री तक का जो टेम्परेचर होना चाहिए और ह्यूमिडिटी 90 से ज्यादा होनी चाहिए और हवाएं हल्की होनी चाहिए। हवा तो हल्की रहेगी, ह्यूमिडिटी भी बढ़ी रहेगी, लेकिन तापमान बढ़ने से फॉग हल्का हो जाएगा और उसकी जो लेयर होती है, डेप्थ होती है यानी मोटाई होती है, वो काफी ज्यादा जब होती है तो क्या होता है कि जब सूरज निकलता है तो वो ऊपर उठने लगता है और लो क्लाउड बन जाते हैं, लेकिन सूरज की किरणों को वो जमीन पर नहीं पहुंचने देता, जिससे कि कोल्ड डे कंडीशन हो जाती है। लेकिन अगर फॉग की लेयर पतली होती है, तापमान ज्यादा होते हैं तो काफी कम मोटी लेयर होती है, तो जैसे ही सूरज निकलता है तो वो फॉग छटना शुरू हो जाता है और दोपहर में धूप निकलना शुरू हो जाती है। लेकिन क्योंकि अब बादल छाए रहेंगे इसलिए धूप तो नहीं निकलेगी, कोल्ड डे कंडीशन बने रहेगा, लेकिन कुछ राहत हमें दिखाई दे रही है। तो यह रहा बारिश, बारिश सारे इलाके में होगी। 23 तारीख को पूरा इलाका कवर हो जाएगा, यहाँ 23 तारीख को बिहार और पश्चिम बंगाल में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती है, और 23 तारीख होते होते जो राजस्थान से बारिश हट जाएगी, पंजाब और हरियाणा के दक्षिणी भाग से भी हट जाएगी, लेकिन दिल्ली NCR में हल्की बूंदाबांदी और जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं इसमें बारिश की गतिविधियां जारी रह सकती है। और अब अगर मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में केवल
उत्तरी जो इलाके हैं छत्तीसगढ़ के, ये इलाके जो है जैसे कि कोरिया, कोरबा, सरगुजा, अंबिकापुर, इन इलाकों में हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। वो मध्य प्रदेश में भी पन्ना, सिंगरौली और सिद्धि, सतना, टीकमगढ़ और ग्वालियर, दतिया, मुरैना, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं। ये गुना, शिवपुरी, शाजापुर, इस इलाके में भी हल्की बारिश हो सकती है। और नीमच, रतलाम, धार, खांडवा, खरगोन, अलीराजपुर, बरमनी, इन इलाकों में मेघ गर्जना या बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कोई खास वेदर एक्टिविटी इस इलाके में हमें दिखाई नहीं दे रही है। और बाकी जो दक्षिणी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, वो और दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये शुष्क रहेंगे। उड़ीसा के केवल उत्तरी भागों और तटीय भागों में हल्की बारिश होगी। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे। और हो सकता है मध्य महाराष्ट्र में, जैसे मैंने बताया कि ये जो नासिक, मालेगांव, जलगांव और जो कोकण एंड गोवा के मुंबई, थाने, दहानू, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये सब इलाके शुष्क रहेंगे। और तेलंगाना पूरा शुष्क रहेगा। 22-23 तारीख को कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ भागों में बारिश हो सकती है। अभी फिलहाल क्या होगा कि जो केरल में और कोस्टल कर्नाटका में बूंदाबांदी, हल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। बाकी कर्नाटका शुष्क रहेगा। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई नहीं दे रही है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियां हल्की होंगी, एक दो मॉडरेट स्पेल होंगे, जैसे कि आप कार निकोबार से लेकर के हटवे, पोर्ट ब्लेयर, नील, हैवलॉक और जो बाकी इलाके हैं मायाबंदर वगैरह, इन इलाकों में हल्की बारिश और एक दो मॉडरेट स्पेल हो सकते हैं। बादल छा सकते हैं और तापमान थोड़ा सा कम हो सकता है। जो गर्मी है उससे कुछ राहत मिलने की संभावना हमें नजर आ रही है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे अपडेट करेंगे स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।